हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तनु आपका स्वागत करता हूं सोलो नोमैडिक चैनल में। इसका मैंने आपको लास्ट अपडेट जो दिया था चार धाम यात्रा के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। आपने देखा, ये 15 तारीख मैंने बोली थी, 15 तारीख आज से ही स्टार्ट हो रही है चार धाम यात्रा, कन्फर्म था ही। और बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद 15 को होगी, उसके बाद होगी। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि यात्रा स्टार्ट हो गई है। यात्रा स्टार्ट जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि तीन चरणों में स्टार्ट हुई है, तीन फेज में स्टार्ट की गई है। पहला फेज स्टार्ट हो चुका है। पहला फेज में जो है चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ये तीनों जगह पे चार धाम हैं और इनकी जो लोकल वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसमें उनको भी जो है RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए दर्शन करने के लिए। हाँ, भले ही रेस्ट्रिक्शन है कोविड के पेंडेमिक को देखते हुए, थोड़ी सी ये प्रिकॉशन ली गई है प्रशासन के द्वारा। अच्छा हुआ कि स्टार्ट तो हुई, कम से कम स्टार्ट हो गई है। और अभी फर्स्ट फेज पे स्टार्ट हो गई है, सेकंड फेज हो सकता है जून के लास्ट तक आ जाए, जिसमें पूरे उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं वहाँ के लोग यात्रा कर पाएंगे। और थर्ड फेज जो होगा उसके ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट जो है वो कवर होंगे। फिर भी मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा टाइम टू टाइम, जैसे भी सेकेंड फेज के लिए आएगा, थर्ड फेज के लिए आएगा, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दे दूँगा। और अगर आपको ये अपडेट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जोड़ दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और SOP में कुछ चेंजेस क्या हुए हैं कि अभी भी जो लोग हैं, अगर आप लोग आना चाहें तो अभी भी उत्तराखंड में आ सकते हैं। चार धाम के अलावा नैनीताल, मसूरी, ये जगह, देहरादून, सब जगह घूम सकते हैं। इसके लिए फिर से RT-PCR रिपोर्ट जरूर मैंडेटरी है, लानी ज़रूरी है, ठीक है। और अभी कल वीकेंड था तो वीकेंड में बहुत लोग आए हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, कम से कम 1200 गाड़ियाँ आई कल, ऐसा है न्यूज़ में। लेकिन 1200 में से 700 गाड़ियों को वापस भेजा गया क्योंकि RT-PCR रिपोर्ट लेके नहीं आए थे लोग, और 500 गाड़ियों के पास थी RT-PCR रिपोर्ट, तो वो गए हैं घूमने। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि इसको हल्के में ना लें, क्योंकि इस टाइम पे यूके उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि लास्ट टाइम जो नाम हुआ था कि पिछली बार कुंभ की वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इस बार स्ट्रिक्ट है बहुत उत्तराखंड सरकार, इसलिए कोई भी इसलिए नहीं लेना चाहती, ना कोई ब्लेम लेना चाहती, इसलिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है इस टाइम पर। तो अगर आप आए तो आप घूमने आ सकते हैं ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, उत्तराखंड में और जगहों पर जा सकते हैं आप। बस RT-PCR रिपोर्ट लेके आए 72 घंटे पुरानी और आ जाइए। आपको मैंने लास्ट टाइम पे हिमाचल का भी अपडेट दिया था, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक। और चार धाम यात्रा फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, सबसे बड़ी अपडेट यही है। हो सकता है कि ये अभी इसलिए थोड़ा फेस में खोला गया, तीन फेस में इसलिए खोला गया ताकि प्रशासन ये देखे कहीं केसेस बढ़ तो नहीं रहे, इस वजह से भी RT-PCR रिपोर्ट जो है नेगेटिव लानी ज़रूरी है, क्योंकि प्रिकॉशन ली जा रही है सबके भले के लिए ही। तो इसलिए है थोड़ी सी दिक्कत तो है, लगती तो है ही रिपोर्ट करवानी, बस अभी है यही। और हो सकता है आने वाले टाइम में ढील और राहत मिल जाए, ये रिपोर्ट भी, नेगेटिव रिपोर्ट भी, जैसे हिमाचल में हो चुकी है कि ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाए। पर वही ये देखते हुए, आगे देखते हुए कि टूरिज़म ओपन किया है उत्तराखंड का, तो कैसे आगे बैठता है हिसाब किताब, सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर शायद प्रशासन और राहत दे दे। उत्तराखंड में लॉकडाउन 22 जून तक बढ़ा दिया गया, राहत दी गई है, बहुत सारी चीज़ दुकानें खोली गई हैं। बाकी अपडेट जो है मैं लिंक है वीडियो के उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।